जय श्री कृष्ण। जब आपकी शिक्षा और ज्ञान आपके बर्ताव में ना दिखे तो समझ लीजिए कि आपने जो पढ़ा है वो व्यर्थ है। आपके संस्कार, आपका ज्ञान हमेशा तब प्रदर्शित होना चाहिए जब आप अपने नीचे स्तर के लोगों के साथ हों, या आप किसी वाद विवाद में खड़े हों, या जहां पर आप किसी को लेकर अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तब पता लगता है कि आपकी शिक्षा का स्तर क्या है। बड़े महंगे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने के बावजूद अगर आप अपनी वाणी में कठोरता रखते हैं, गाली गलौज करते हैं और किसी को कुछ भी कह देते हैं, तो इसका मतलब आपसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं है। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। वैसे तो रोजाना ही अच्छा लाने का कोशिश करती हूँ, लेकिन आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएंगे कि आप कैसे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे परिवार में भी सब बहुत अच्छे हैं, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे इस सारथी परिवार के बच्चे कैसे हैं, तो ज़रूर बताइएगा। और आज के टॉपिक पर हम आपसे कुछ अलग, कुछ अद्भुत चर्चाएं करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताएंगे कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पति पत्नी, जिस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप सब लोगों ने उन्हें बहुत लाइक भी किया है। मेरे कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं जो ना जाने कितने मिलियंस में क्रॉस हो चुके हैं, और आपकी इसी मेरे साथ जुड़े रहने की प्रवृत्ति के कारण मैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आपके सामने आ जाती हूँ। सबसे गहरा, सबसे पवित्र और एकमात्र ऐसा रिश्ता जो 7 जन्मों तक चलता है। और किसी रिश्ते को सुना है आपने कि वो अगले जन्म के लिए भी बंधा हो? केवल एक पति पत्नी का ही रिश्ता है जो 7 जन्मों तक बंधा होता है। एक को दुख हो तो दूसरे को दर्द अपने आप आ जाता है, एक खुश हो तो दूसरा अपने आप मुस्कुरा जाता है। ये वो रिश्ता है जो 2 होते हुए भी एक ही कहलाता है। कितना अजीब है ना, कैसा रिश्ता है ये। एक लड़की अपनी बजाय अपने पति के नाम और उसके सरनेम से जानी जाती है। एक पति अपनी पत्नी के प्यार से और ज़्यादा निखरता जाता है, उसका घर, उसका आंगन बढ़ता जाता है, उसके घर में बढ़ोतरी होती है, लक्ष्मी का वास होता है और हमेशा समृद्धि रहती है। पति पत्नी के इस रिश्ते को जोड़े रखने के लिए हम जिसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वो होता है गुरु बृहस्पति। कुंडली में बृहस्पति अच्छे होंगे तो हमेशा आपके रिश्ते के अंदर प्यार और सम्मान बना रहेगा। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि पति पत्नी के रिश्ते में कुछ और हो या ना हो, सम्मान हमेशा होना चाहिए। किसी भी पत्नी को अपने पति को लेकर गलत बात, ओछी बात, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, पर ये बात लागू पति के ऊपर पत्नी से ज़्यादा होनी चाहिए। मेरा तो बस नहीं चलता, वरना मैं तो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्टेड करवा दूं ऑफिशियली कि जो पति गाली गलौज करे उसके ऊपर कानून द्वारा एक धारा लग जानी चाहिए, ताकि ये उसके लिए एक दंडनीय अपराध बन जाए। पर चलिए, मैं ना न्यायाधीश हूँ और न्याय मेरे हाथ में नहीं है, परंतु मैं ये आपसे दरख्वास्त कर सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि किसी औरत का अपमान मत करिए, खास करके उसका जो आपकी ग्रह लक्ष्मी है, जो आपकी कुंडली में बैठा हुआ आपका शुक्र है, आपका वैभव, आपका ग्लैमर, आपका पैसा, आपकी पावर, सब कुछ उन्हीं से जनरेट हो रहा है। उन्हें गाली देकर, उन्हें बुरा भला कहकर अपने शुक्र को नीच मत करिए, वरना आपके जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाएगा। जो कुछ भी करेंगे रुकावटें आएंगी, जो कुछ भी करने जाएंगे लोगों से तिरस्कार मिलेगा। चलिए जी, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा होता है, वापस उस पर आ जाते हैं। गुरु बृहस्पति,
जब पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं तो हम ऐसा कहते हैं उन्हें कि बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का दान करना चालू कर दीजिए। अपने सिर पर केसर का तिलक ज़रूर लगा लीजिए। अपने पति को किसी भी तरह से पीली हल्दी का तिलक अपने हाथ से ज़रूर लगा कर दीजिए। इसी प्रकार जब पति पत्नी के बीच में मान सम्मान की कमी हो जाए, एक दूसरे को लेकर द्वेष आने लग जाए, एक दूसरे से नफरत होने लग जाए, ऐसी कंडीशन में आपको गुरुवार के दिन पीले पुष्पों की पत्तियों के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी रखकर गुरुवार के दिन ठाकुर जी के मंदिर में जाकर या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो लास्ट तक इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज का एपिसोड आप ही के लिए बना है। जब आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हों, आपस में बहुत मनमुटाव चल रहा हो, हर बात आप एक दूसरे की काटते हों, साथ रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा हो, तब आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर 11 लड्डू और साथ में 2 पान के बीड़े ज़रूर चढ़ाने चाहिए। लगभग 7 शनिवार ये कार्य करिए और फिर देखिए आपकी गृहस्थी में कैसे सब कुछ ठीक होने लगता है। अब मैं आपको देने वाली हूँ आज का वो सारथी उपाय जिसको करने मात्र से आपके पति हर तरह से आपके वश में हो जाएंगे। वाइस वर्जा है भाई, पत्नी के लिए भी ये चीज़ लागू होती है। अगर पत्नी नहीं सुन रही है, परेशान कर रही है, घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, तो आप भी ये कार्य कर सकते हैं। क्या करना है आपको? मेरे द्वारा बताए गए बहुत सारे मंत्र आपको समझ नहीं आते और आप कहते हो कि लिख कर दिया करो, तो आज मैं आपको मंत्र लिख कर दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है, लेकिन कैसे बोलेंगे? 1 ग्लास अनार का जूस ले लीजिए, इसके अंदर 5 पत्ती केसर डाल दीजिए। अपने मंदिर में पूरब की तरफ मुख कर बैठ जाइए। हाथ में आप एक चम्मच रख लीजिए या कोई हिलाने के लिए एक डंडी ले लीजिए। इस रस को हिलाते जाइए और 11 बार इस मंत्र का जाप करते जाइए और फिर देखिए कैसे इसके अंदर ताकत आ जाती है। अब जब यह जूस बहुत ताकतवर हो गया, अब आपको इसका क्या करना है? आपको इसको किसी भी तरह से अपने पति को पिला देना है। कैसे पिलाएंगे? डायरेक्ट अगर आपकी बात सुन ले पी ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने नहीं माने सब्जी में मिला दीजिए, थोड़ा सा आटे में मिला दीजिए, किसी भी फॉर्म में आपको उनको ये पिला देना है या खिला देना है। आप ये करके देखिए, इतना चमत्कारी उपाय है कि आपको इसके रिजल्ट्स 1 महीने के अंदर अंदर दिख जाएंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।